गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का हम लोग अगला क्लास करते हैं। ठीक, आपका पहला रूल है नरेशन में, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, ये सेड टू इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, इट इज चेंज्ड इनटू इट टोल्ड। यदि टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक, जैसे कि व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जैसे देखिए ये डायरेक्ट स्पीच में है, जैसे कि शी सेड टू हर मदर आई हैव डन माई वर्क, तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में यदि बदलने के लिए बोलेगा तो कैसे बदलेंगे, ये सेड टू के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसीलिए यहाँ सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। तो शी सेड टू हर, शी टोल्ड हर मदर दैट, इन्वर्टेड कॉमा के बाद बदले दैट होता है, और ये यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ सी है तो सी के लिए यहाँ सी ही होगा, तो सी हैड डन हर वर्क। यहाँ प्रजेंट परफेक्ट है, इसका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए हैज़ का हैव का हैड हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो ही सेड टू मी देयर इज नो मोर वाटर, तो इसके लिए यदि इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेगा चेंज करने के लिए तो क्या कैसे करेंगे, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, और जो भी रूल्स हैं वो अपना फॉलो करता ही रहेगा। तो ही टोल्ड मी दैट देयर वॉज नो मोर वाटर, इज का क्या हो जाएगा, वॉज, इज का वॉज हो जाता है। आप पहले क्लास में जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है सारे के सारे वीडियोस। अब चलिए, हाँ तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखें तो एग्जाम्पल देखिए, राम सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, तो इसका क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यहाँ क्या आया, आई मी के लिए क्या आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ आई, तो आई वॉज ए गुड बॉय, तो ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी एग्जाम में चेंज करके आप अपना आराम से नंबर उठा सकते हैं। ठीक, अब चलिए फाइव नंबर्स देखते हैं, ये सभी आपको पूछा जा सकता था अब, और पिछले क्लास में हमने जो भी रूल्स पढ़ाए हैं वो सभी आपको पूछा जाएगा। हम कुछ एडवांस भी आपको पढ़ाएंगे जो कि जनरली आपको एग्जाम्स में तो जल्दी नहीं पूछा जाएगा, टेंथ तक में, ट्वेल्थ तक में, लेकिन आपको कंपटीशन में हो सकता है पूछा जा सकता है, और कहीं भी आपको कोई भी पूछे तो वहाँ आप बता सकते हैं। ठीक है, एडवांस रूल्स हम पढ़ाएंगे उसमें। तो उसके बाद देखिए फाइव नंबर क्या है, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, इधर वाला रिपोर्टेड वर्ब, तो वही बोल रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच हैज़ टू एक्शन, यदि इसमें दो कार्य हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में, टू एक्शन विच आर बोथ इन द पास्ट कंटिन्यूस, यदि दोनों पास्ट कंटिन्यूस में ही हो तो क्या होगा, इट्स टेंस विल नॉट चेंज, तो उसका टेंस क्या होगा, चेंज नहीं होगा वाइल कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, जैसे कि यहाँ था पास्ट है तो वह पास्ट में ही रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यदि पास्ट, यदि दो एक्शन हुआ रहेगा पास्ट में तो। ठीक है, इसे आप अच्छा से पढ़ लीजिए और ध्यान से देखिए, जैसे कि देखिए इसमें देखिए, सी सेड आई कैट वॉज, सी सेड दैट द कैट वॉज रनिंग एंड द डॉग वॉज चेसिंग इट, तो इसमें पास्ट में दो ही कार्य हो रहा है, दो कार्य हो रहा है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, पास्ट में यदि दो कार्य हो रहे हो तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है, जैसे पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, कंटिन्यूस में है तो कंटिन्यूस में ही रहेगा, पास्ट कंटिन्यूस में तो उसी में रहेगा। ठीक, तो सी सेड दैट अ कैट वॉज रनिंग एंड द डॉग वॉज चेसिंग इट, हो गया। अब चलिए छः का नंबर का देखते हैं, इफ़ द रिपोर्टेड वर्ब स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच इन द पास्ट टेंस एंड इंडिकेट टाइम एंड इट्स टाइम, और इन इट्स टाइम यदि वो इंडिकेट कर रहा है तो क्या होगा, इट्स टेंस विल नॉट चेंज, तो भी उसका टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे कि सी सेड आई वर्कड इन दिल्ली फॉर टू ईयर्स, मतलब कि यहाँ भी टाइम बोध हो रहा है। ठीक है, पास्ट टेंस में यदि टाइम का इंडिकेशन आ रहा है, ठीक है, ये पास्ट टेंस में है, वी टू है तो समझ जाइए पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट में है और वो टाइम का इंडिकेट कर रहा है वो सेंटेंसेस, तो क्या आ जाएगा, तब भी उसका टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे कि ये देखा, सी सेड आई वर्कड इन दिल्ली फॉर टू ईयर्स, तो टू ईयर्स एक टाइम हो गया तो इसीलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो कैसे बनाएंगे, सी सेड दैट वो आई वर्कड इन दिल्ली फॉर टू ईयर्स। ठीक, अब अगला रूल्स देखते हैं, इन सम केसेस मस्ट एंड नीड नॉट
आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ हैव टू, ये सभी आपको जनरली एग्जाम में 10th 12th तक के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक। हाँ, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो कोई टीचर से परेशान करने के लिए आपको पूछ सकते हैं। जैसे कि देखिए, ही सेड आई मस्ट गो नाउ, मतलब इसका समझ लीजिए, मतलब इसका मतलब हुआ, यदि कभी कभी जो होता है मस्ट और नीड नॉट हैव टू के बदले में प्रयुक्त होता है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, हैव टू है तो है, उसका हैड हो जाएगा, ठीक। तो जैसे देखिए, हैड ही सेड आई मस्ट गो नाउ, तो ही सेड दैट आई सब्जेक्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ होना चाहिए, तो ही हैड टू गो नाउ, हमने यहाँ थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो ही हैड टू गो नाउ, इसका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसीलिए यहाँ ये हो गया ही, तो ही हैड टू गो नाउ, तो आपने ये भी बना लिया। तो इस क्यों, क्योंकि यहाँ मस्ट है ना, ये मस्ट जो हैव टू के बदले में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हैव टू का क्या हो जाएगा, यहाँ हैड टू हो जाएगा, ठीक। अब चलिए देखिए अगला देखेंगे, इसमें भी देखिए, ही सेड आई नीड नॉट गो, मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ विल का मतलब यहाँ फ्यूचर का सेंस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ नीड विल हो जाएगा, ठीक है। तो विल हो जाएगा तो कैसे आप बनाएंगे, ही सेड दैट ही, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही विल नॉट हैव टू गो, तो यहाँ देखा आपने ये सही था, यहाँ थोड़ा सा क्या हो गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, यहाँ भी यही होगा, आई के बदले यहाँ ही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ठीक। अब ये भी आपने देख लिया, अब चलते हैं हम लोग, ये आपको ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये आपको एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई भी आपको पूछ सकता है। अब चलिए, मस्ट का एक तरह से और यूज होता है, जैसे कि देखिए, कभी कभी क्या होता है, मस्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ शैल हैव, यदि आप शैल हैव के सेंस में आइए इसका प्रयोग हो, तो उसको, और व्हेन इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी एंड और कंपल्सन, और उसका सेंस क्या हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और मजबूरी, मतलब मजबूरी सेंस में आपको करना ही हो रहा है, करना ही पड़ रहा है, तो उस सेंस में इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ये देखिए, तो उस सेंस में ये शैल हैव के रूप में प्रयोग होगा, और शैल हैव का क्या हो जाएगा, शैल का क्या हो जाता है, आप लोग जानते हैं, हमने पढ़ाया भी है पहले पिछले क्लास में, तो शैल का क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं, ठीक। जैसे कि देखिए, ही सेड आई मस्ट फिनिश दिस वर्क ऑन मंडे, ही सेड दैट ही, यहाँ शैल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, विल का भी वुड होता है और शैल का शुड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ ज़्यादा मतलब क्या, नेसेसिटी है, कंपल्सन है, इसीलिए आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ही वुड हैव टू फिनिश दैट बुक ऑन मंडे, मतलब मंडे तक उसे वह बुक ख़त्म करना ही है, ठीक है। तो अब चलिए 9 में देखते हैं, कुछ और सेंस भी होते हैं मस्ट के, मतलब कि आपको थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा सीखने के को मिलेगा मस्ट के बारे में, ठीक। जैसे कि देखिए, इन सम सेंटेंसेस व्हेन मस्ट इंडिकेट सम काइंड ऑफ एडवाइस सजेशन और एंड कंपल्सन, कुछ केसेस में क्या होता है, यदि आपको मस्ट एडवाइस और सजेशन या कंपल्सन, सजेशन मतलब कोई भी सुझाव, कंपल्सन मतलब कोई भी दबाव डाल के आपको करना ही पड़ता है मजबूरी में, तो वो हो गया कंपल्सन। तो उस तरह का यदि सेंस आए, तो उस सेंटेंसेस में क्या होगा, मस्ट रिमेन मस्ट, तो मस्ट का मस्ट ही रहता है, ठीक है, इसमें थोड़ा रिमेंस होता है, यहाँ थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है लगा, ठीक है, तो इसका मस्ट का मस्ट ही रह जाता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, द पुलिस मैन सेड टू अस, द पुलिस मैन सेड टू अस, यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड अगेंस्ट द रेड लाइट, जब रेड लाइट जल रही है तो आपको निश्चित ही रोड नहीं क्रॉस करना चाहिए, पुलिस ने एक सुझाव दिया, सजेशन दिया, और ठीक है, तो ये सजेशन के रूप में क्या हो जाएगा, तो अब मस्ट का मस्ट ही रहेगा, द पुलिस मैन टोल्ड अस दैट, तो सकर पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट का अस है, तो अस के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, वी ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक, सब्जेक्ट के रूप में, तो वी मस्ट नॉट क्रॉस द रोड अगेंस्ट द रेड लाइट, तो देखा मस्ट का मस्ट ही रह गया, तो इस सेंस में क्या होगा, सजेशन के सेंस में, कंपल्सन के सेंस में और एडवाइस के सेंस में कभी कभी मस्ट का मस्ट भी आप बोल सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है। इसलिए हमने बोला इस तरह के सेंटेंसेस आपको लगभग एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस वीडियो प्लीज़, और आप भी जो भी वीडियोस हमने डाला है
सिक्वेंस में सारे के सारे हैं, आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप प्लेलिस्ट में जाके टेंस का, वॉइस का और नरेशन का सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।